हमने विधानसभा में जो चिंता जताई थी आज वह साफ दिखाई पड़ रहा है। अपराधी और भ्रष्टाचारियों की सरकार बनने से मनोबल बढ़ गया और इस जंगल राज को आप जनता की राज कह करके क्या संदेश दे रहे हैं बिहार से बाहर? आपके बारे में जो लोग सोच रहा है सचमुच में आप थक चुके हैं, सत्ता में बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है, आप बिहार को अब बखस दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि जब स्वार्थ और अहंकार बढ़ जाता है तो जंगल राज भी जनता का राज नजर आता है और कुछ ऐसा ही हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर दिखाई भी कैसे दे, क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल उनके बड़े भाई यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ही हाथ में है। जो बड़े भाई कहते हैं वो छोटा भाई करता है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, किस तरीके से उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है, बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर उनके तरफ से क्या कुछ बातें कही गई है, खासकर लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है? आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के। जब स्वार्थ और अहंकार चरम पर पहुंचता है तो उनको जंगल राज भी जनता का राज नजर आने लगता है। जिस राज्य के विरुद्ध उनका अवतरण हुआ, सुशासन के मंत्र को लेके दिल्ली से बिहार में आए थे कि सुशासन स्थापित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं, रोज चित्कार कर रहा है, हत्या लूट बलात्कार हो रहा है और इसको जनता राज कर रहे हैं। उनके भतीजे जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक कहा कि बड़े बेशरम मुख्यमंत्री हैं ये। कुर्सी कुमार पलटू राम अब बात में भी पलट रहे हैं और इस तरह से बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। हम बिहारी होने पर गर्व करने के लिए उस अराजकता जंगल राज से लड़े, अपना लहू और पसीना बहाए, पूरे बिहार के हर समाज के लोग उस अराजकता के विरुद्ध लड़ा था। कितने लोग बलिदान हो गए थे, उस बलिदान का अपमान आपने किया मुख्यमंत्री जी। और आज हर दिन कई लोगों की हत्या हो रही है, पटना के अंदर पटना सिटी में दो दो हत्याएं हो गई, आपके मसौरी के अंदर सिपाही मारा जाता है। वो सिपाही का परिवार कल हमको बता रहा था कि दारू माफिया थाना प्रभारी से मिला हुआ है, हमारा बच्चा आगे बढ़ गया पकड़ने के लिए और थाना प्रभारी खड़ा रह गया। और जो दारू माफिया का नाम आ रहा है वो जदयू के हैं, नेता के ही संरक्षण में वहाँ के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं। क्या हो रहा है? कल ही देखिए छुरा मार दिया पाटलिपुत्रा में। आपके थाना का मनोबल गिरा हुआ है, बालू दारू से उसको फुर्सत नहीं है, सारे थाना प्रभारी बालू दारू में लगे रहते हैं। जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपका था, गृह विभाग आपके अंदर है। हमने विधानसभा में जो चिंता जताई थी आज वह साफ दिखाई पड़ रहा है। अपराधी और भ्रष्टाचारियों की सरकार बनने से मनोबल बढ़ गया और इस जंगल राज को आप जनता की राज कह करके क्या संदेश दे रहे हैं बिहार से बाहर? आपके बारे में जो लोग सोच रहा है सचमुच में आप थक चुके हैं, सत्ता में बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है, आप बिहार को अब बखस दीजिए। जिस बिहार की जनता ने आपको एक चंद्रगुप्त के रूप में लाया था, आप नकली चंद्रगुप्त निकले, बिहार को बहुत कलंकित कर दिए। समाज में आपने घृणा नफरत और जातीय जहर की खेती का प्रयास किया, कभी दलित महादलित के रोल में और कभी लोगों के बीच जहर भर करके। अब तो आप सच से भी आंख देखिए, लालू प्रसाद यादव बड़े भाई हमेशा छोटे भाई को कंट्रोल करते रहे हैं रिमोट के माध्यम से, और बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिले हुए थे, बिहार को लोगों को बरगलाया, भारतीय जनता पार्टी को भी बरगलाने का काम किया। पूरा रिमोट लालू प्रसाद यादव के हाथ में है, ये जब चाहते हैं
नीतीश कुमार आप उनसे अलग होते हैं, जब चाहते हैं वो अपने पास बुलाते हैं, जब चाहते हैं तो इसको देश के भ्रमण में भेज देते हैं और बहुत जल्दी इनको यहाँ से सत्ता से बाहर करके प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर पूरी सरकार अपने हाथ में ले लेंगे। थैंक यू।